नाउ चैप्टर नंबर 6, 6 से 8 मार्क्स का डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर है अपना। डेफिनेट इंटीग्रेशन तभी आएगा जब इंटीग्रेशन आएगा, तो इंटीग्रेशन में कौन से प्रॉब्लम्स करने हैं मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अगर नहीं देखा है तो पीछे जाके वो धारे प्रॉब्लम देख लेना, उसकी प्रैक्टिस कर लेना। अभी हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज 4.1 तो करना है नहीं, तो हमें जाना है डायरेक्टली कहाँ पे 4.2 में। इसके कौन सी प्रॉपर्टीज़ एग्ज़ाम में आएंगी या आ सकती है, वो उसके लिए अलग से वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो आप जाके चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में, वो भी मिल जाएगा आपको। उसके बाद हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले 4.2 में, तो 4.2 में पहला क्वेश्चन इन जनरल इंटीग्रेशन के ऊपर है। तो अगर आपको इंटीग्रेशन आएगा तो वो सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और उसमें से भी अगर आपको कुछ करना है तो कुछ सम आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, देन उसके बाद आप कर सकते हो 3rd, 4th, यहाँ पे 10th और यहाँ पे 6th, ये जो कि 2 मार्क्स या 1 मार्क्स के लिए आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, देन उसके बाद 5th है, 7th है, 9th है, यहाँ पे 14th है, 15th है। क्वेश्चन नंबर 13 में 1st क्वेश्चन ऑब्वियसली करना ही है, 2nd करना है, उसके बाद 4th, देन उसके बाद 7th, 6th, यहाँ पे 9th, यहाँ पे 11th और यहाँ पे 13th। इट इज़ मोर देन इनफ, इतने भी क्वेश्चन कर लोगे तो भी आपका एप्लीकेशन और सॉरी डेफिनेट इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कुछ सॉल्व प्रॉब्लम अगर इसमें से देखना है तो देख सकते हो, या तो फिर आपको क्या करना है, आपको सबसे इम्पोर्टेंट है आपको इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो करके जाना, क्योंकि एग्ज़ाम में इसकी प्रॉपर्टी आएंगी। कुछ थ्योरी पूछने के लिए है तो सिर्फ प्रॉपर्टी है इसमें, तो वही आपको पूछेंगे, ठीक है।